जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम लोग हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉपिक कह लेंगे इसको, क्योंकि छोटा सा टॉपिक ही है। और 16 महाजनपदों तथा उनकी राजधानियों को हम लोग याद कर लेंगे और साथ ही साथ वर्तमान में उनकी अवस्थिति को भी देख लेंगे। और 100% बता रहा हूँ, आप भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है और मज़ा आ जाएगा। और हाँ, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि वास्तव में थोड़ी देर मतलब इस पे वीडियो बना रहे थे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, जानते ही हैं थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत कभी कभार, तो फिर से इसलिए इसको दोबारा से हम शुरू कर किए हैं। और हाँ, वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। जो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक तो ज़रूर अभी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इससे आप आज के बाद कभी भूल नहीं पाएंगे। और ज़्यादा बात ना करते हुए बात करते हैं महाजनपद तथा उनकी राजधानियों के बारे में। तो महाजनपद इधर हम पहले से लिख दिए हैं, महाजनपद जो जो 16 महाजनपद थे, और जैसे मगध के उत्कर्ष से पहले 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों में जिलों में अब कहते हैं महाजनपदों में डिवाइड हुआ था, है ना, पूरा भारत बटा हुआ था। और भारत की बात करें तो पूरा अफगानिस्तान से लेकर इधर पूरा क्षेत्र फैला हुआ था, भारत ही था उस समय, तो भारत ही कहेंगे और क्या। तो वो जो है 16 महाजनपदों के रूप में डिवाइड था। बाद में उसी में से मगध धीरे धीरे क्या हो गया, शक्तिशाली होता चला गया और मगध का चारों तरफ मगध ही विस्तारित हो गया। तो मगध का उत्कर्ष से पहले हम ये 16 महाजनपदों की चर्चा जानते हैं, अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है, बौद्ध धर्म जैन धर्म सब में मिलता है, ठीक है। तो हम इसको आज याद कर लेते हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। और अगर हेडफोन है तो हेडफोन लगा लीजिए और एकांत में चुपचाप बड़ा गौर से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ उस पर आप याद करेंगे, बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले मगध, तो बात कर ले मगध, तो आप जानते हैं 16 महाजनपद के बाद जो है मगध ही क्या हुआ, विस्तारित हुआ, वही फला फूला। तो इससे क्या हो जाएगा, सभी राज्यों का ये गृह था, घर था, इन सभी राज्यों का क्या हो गया, वो घर हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो राज ग्रह। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। मगध क्या हुआ, सभी राज्यों का घर हो गया, तो सभी राज्यों का घर राजग्रह, क्लियर। और ये इसकी वर्तमान अवस्थिति जो है दक्षिणी बिहार वाले क्षेत्र में है, इसको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। बात करते हैं अवंती, अवंती ये जो पूरा मालवा का पठार वाला क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र है, इस पर विस्तृत है। और हम पहले इसकी राजधानी को याद करते हैं, तो राजधानियाँ इसकी दो, हम दो तरीके से इसको लिखते हैं। देखिए पहले उज्जैनी, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही नाम है, ठीक है, उज्जैनी, और दूसरा माहिष्मती, क्या माहिष्मती। तो माहिष्मती वही बाहुबली वाला है ना, जय माहिष्मती, तो उसको याद कर लीजिए। अब इससे जो हम बात करते हैं अवंती, तो अवंती जो महाजनपद था बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, पूरा मध्य प्रदेश से लेकर साउथ इंडिया तक फैला हुआ था, तो ठीक है। तो मध्य प्रदेश का ही आप जानते हैं उज्जैन, उज्जैन है ना, तो उज्जैन का ही वहाँ से नाम उज्जैनी था, ठीक है, बाद में उज्जैन पड़ा वगैरह। और ये जो माहिष्मती है साउथ इंडिया का की राजधानी, उसका नाम हो जाएगा, तो ऐसा लिखा हुआ होता है, काफ़ी लोग गौर नहीं कर पाते हैं कि ये मतलब क्या है, सोचते हैं ऐसा तो नहीं उज्जैनी और माहिष्मती दोनों एक ही नाम है, जी नहीं, ये अलग अलग राजधानियाँ थी, साउथ इंडिया की ये थी और ये तो मध्य भारत का है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो हर्षवर्धन का की राजधानी थी उज्जैन, ठीक है। तो हम बात करते हैं माहिष्मती, तो देखिए माहिष्मती अवंती, बोलिए अवंती माहिष्मती, अवंती माहिष्मती, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माहिष्मती अवंती, सेम सेम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो याद हो जाएगा, अब 100% बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। और हाँ, उज्जैनी भी इसी के दौरान याद कर लेंगे आप। बात करते हैं वज्जी, तो वज्जी ये जो है आज का मुजफ्फरपुर वाले ज़िले में, बिहार का क्षेत्र है तो ज़िला है, तो मुजफ्फरपुर की लीची है ना, सुने होंगे। तो बात करते हैं हम ये वज्जी, वज्जी की जो राजधानी थी वो क्या, तो वज्जी, वज्जी बोलिए तो बाजू, ऐसा लग रहा है जैसे है ना बाजू, तो बाजू क्या है, बहुत ज़्यादा विशाल है, विशाल है ना, मेरा तो नहीं है मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो विशाल क्या हो जाएगा, वैशाली, विशाल से क्या हो जाएगा, वैशाली, तो इसको आप रिलेट कर लेंगे, बाजू क्या है, विशाल है, ठीक है, किसी का भी हो, आपका होगा देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो वज्जी से हो जाएगा वैशाली, और ये मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है।
बात करते हैं कोसल। कोसल का वर्तमान जो है फैजाबाद या सॉरी अयोध्या है। और कोसल से हम करें कुशल, सभी लोग कुशल मंगल कहाँ होंगे? बस्ती में, बस्ती वाले लोग है ना, तो बस्ती वाले लोग होंगे तो सरा बस्ती। और ये बिहार, वहाँ से आप यूपी का मैप जब पढ़ेंगे तो यूपी के मैप में और देखेंगे बहराइच श्रावस्ती है ना, और ये वाला पूरा ऐसे सीक्वेंस होता है, ठीक है, बस्ती श्रावस्ती, तो उसी में। तो कोसल की राजधानी क्या हो जाएगी? श्रावस्ती, क्योंकि कुशल मंगल लोग जो बस्ती में रहते वही रहेंगे भाई, जंगल में रहने वाले थोड़ी। तो ऐसा आप रिलेट कर लीजिए, अन्यथा मत लीजिएगा, बस हमारा ये पर्पज़ है कि आपको याद हो जाए। फिर बात करते हैं काशी, काशी प्रयागराज। तो काशी, काशी बम बम बोल रहा है काशी है ना, तो काशी का वाराणसी क्या हो जाएगा? वाराणसी, तो बनारस काशी है ना, तो वाराणसी इसकी राजधानी हो जाएंगी, क्योंकि उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से याद होता है। तो काशी वाराणसी, ठीक है, प्रयागराज वर्तमान वाला क्षेत्र जो है। बात करते हैं अंग, अंग जो है भागलपुर, ठीक है, भागलपुर वाले क्षेत्र में है, भागलपुर जिले में है, ये वर्तमान की बात हो रही है, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये वर्तमान में है। बात करते हैं हम अंग, अंग की राजधानी क्या हो जाएगी? और चंपा, क्या? चंपा। तो चंपा का अंग ऐसे आप याद कर लीजिए है ना, हमें पता है आपने क्या सोचा है, स्त्री मत समझिए, आप फूल समझ लीजिए है ना, तो चंपा, क्या? चंपा। तो चंपा का अंग, चंपा का अंग, ठीक है, सुंदर है, बुरा है, जैसा भी है। तो भागलपुर, भागलपुर वर्तमान में है, तो अंग किसका? चंपा का, ठीक है, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। बात करते हैं मल्ल, मल्ल देवरिया वाले क्षेत्र में है ना, और गोरखपुर देवरिया ये जो भारत उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हैं, तो वहाँ की बात हो रही है। तो मल्ल, मल्ल से आपको ऐसा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मल्ल मतलब क्या हो जाएगा, मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती वगैरह होता है ना, तो मल्ल युद्ध, और पहले के लोग क्या करते थे मल्ल युद्ध, अब चूंकि पहले की बात है ना, तो नाड़ा बांध के मल्ल युद्ध किया करते थे, हंसने की बात नहीं है, बस इसको समझ लीजिए कि नाड़ा बांध के लोग मल्ल युद्ध किया करते थे। तो नाड़ा से ही नाड़ा, नाड़ा हो जाएगा नारा, ठीक है, तो कौन सा नारा? कुशी नारा, ठीक है, कुशी नारा, आज कुशीनगर हो गया है हम कहें तो वो जगह, तो कुशी नारा, ठीक है। तो मल्ल युद्ध जो होता था नाड़ा बांध के होता था पहन के, तो कुशी नारा याद हो गया, वर्तमान में देवरिया वाले क्षेत्र के आसपास फैला हुआ है, देवरिया वाले क्षेत्र में ही है। बात करते हैं चेदी, चेदी बांदा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, और जो इसकी राजधानी थी चेद की वो हो जाएगा सोथीवती, क्या? सोथीवती, सोथीवती चेदी, ठीक है, वती चेदी ऐसे करके याद कर लीजिए, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, और नहीं क्या फ़ायदा गड़बड़ होने लगे। तो देखिए इसमें क्या है, चेदी की जो वर्तमान क्षेत्र है बांदा बुंदेलखंड, और ये क्या हो जाएगा? सोथीवती, ठीक है, सोथीवती चेदी, तो वती चेदी एक सा ऐसा लग रहा है, तो आप इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। बात करते हैं इधर, अभी ये इधर 8 हुए और 8 अभी बाकी हैं, ठीक है, अभी आधी पिक्चर बाकी है, तो बड़ा ध्यान से समझते रहिए। बात करते हैं वत्स, वत्स, वत्स प्रयागराज वाले क्षेत्र में, इलाहाबाद आप कहेंगे है ना, और तो फिलहाल प्रयागराज ही कहिए, इलाहाबाद मत कहिए। तो वत्स, वत्स मतलब हो जाएगा पुत्र, तो पुत्र कौन कहता है? माताजी है ना, तो माताजी से कैसे हो जाएगा, देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, जो वत्स है, वत्स की जो राजधानी हो जाएगी, पहले हम लिख देते हैं कौसाम्बी, क्या? कौसाम्बी, कौसाम्बी, तो कौसाम्बी, कौसाम्बी, अम्बी, अम्बी, ऐसे अम्बी अम्बी होने लगा ना, तो अम्बी, अम्बी साथ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और अम्मी क्या कहती है बच्चे को? वत्स, क्या? वत्स पुत्र, ठीक है, तो वत्स की राजधानी कौसाम्बी, अम्बी वत्स, ठीक है, तो कौसाम्बी वत्स। नेक्स्ट, और ये प्रयागराज वाले क्षेत्र में है। बात करते हैं कुरु, ठीक है, तो कुरु मेरठ वाले क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश का जो हम कहेंगे पश्चिमी जिले हैं सब ये, तो मेरठ, सॉरी कुरु, कुरु की जो राजधानी हो जाएगी, और कुरु की राजधानी आप ऐसे याद करिए, जैसे हस्तिनापुर में जो लोग हुआ करते थे वो क्रूर नहीं थे, हस्तिनापुर के राजा थे एक,
और नाम आपको याद होगा, और एक शकुंतला रानी थी और राजा दुष्यंत थे, है ना, उनका लड़का पुत्र भरत था। तो वो हस्तिनापुर के राजा थे, कहाँ के, हस्तिनापुर के। और वो क्रूर नहीं थे, कैसे नहीं थे, क्रूर नहीं थे, वो तो अंगूठी खो गई ना इसकी वजह से, भूल गए किसको, क्या नाम था अभी हम बताए थे उनकी पत्नी का नाम, वास्तव में भूल गया यार। तो जो क्या नाम है उनका, दुष्यंत, दुष्यंत, दुष्यंत क्रूर नहीं थे, क्रूर नहीं थे, ठीक है, वो तो अंगूठी खोने की वजह से भूल गए थे। और बात करते हैं नेक्स्ट, मत्स्य, मत्स्य ये जयपुर वाले क्षेत्र में है। तो मत्स्य से हम आजकल क्रिकेट के दुनिया में बात करें, अच्छा ये भूले किसके थे, शकुंतला को, वास्तव में हम भी भूल गए थे अभी फिर से नाम। तो क्रू से क्रूर नहीं थे कौन, दुष्यंत, इसीलिए शकुंतला को भूल गए थे, इसलिए नहीं बोले थे, मतलब अंगूठी खो गई थी इसलिए, ठीक है। तो ऐसा एक कहानी से आपको याद हो जाएगा, और ये मेरठ वाले जगह पे है। बात करते हैं मत्स्य, मत्स्य की बात करें तो आपको क्रिकेट ग्राउंड में लेके जाना होगा, और क्रिकेट ग्राउंड में कौन छा जाता है और कौन सबसे मस्त खेलता है, तो सबसे मस्त कौन खेलता है, विराट। हमें पता था आप भी यही सोच रहे थे, तो विराट, सोचने क्या बात है, जब बढ़िया खेलता है तो सोचना क्या है, तो विराट नगर क्या हो जाएगा, विराट नगर, है ना। तो मत्स्य की राजधानी विराट नगर, मस्त कौन खेलता है, मस्त कौन खेलता है, विराट कोहली, ठीक है। तो विराट मत्स्य ये जयपुर इसकी मतलब वर्तमान में है। बात करते हैं पांचाल, ठीक है, तो अब पांचाल का जो राजधानी होती है वो अहिच्छद्र है, क्या है, अहिच्छद्र, अहिच्छद्र या कांपिल्य, ठीक है, और शायद वहां पे दिख रहा हो आपको कांपिल्य। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, तो पांचाल की राजधानी अहिच्छद्र है ना, और या कांपिल्य। तो जो पांचाली थी, पांचाली मतलब महाभारत में चलेंगे तो पांचाली हम कहा करते थे, है ना, कुंती को, मतलब हम लोग। तो वो कैसी थी, बिल्कुल कॉमन सी थी, है ना, कॉमन सी थी, तो कांपिल्य कॉमन सी थी, क्योंकि बताइए कॉमन सी तो बात हुई, और एक महिला और पांच पुरुष थे उनके पति, है ना, तो पांच, और ये पांचाल की रहने वाली थी, तो इसलिए पांचाली कहा गया था। तो ये क्या थे, बिल्कुल कॉमन थी, ठीक है, तो कॉमन सी बात हो गई, है ना, तो कांपिल्य से याद हो जाएगा, या अहिच्छद्र, ठीक है, अहिच्छद्र भी आप याद कर लीजिएगा, तो पांचाल काम कांपिल्य, ठीक है। बरेली, बदायूं और फरुखाबाद वाले क्षेत्र में भी, अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फरुखाबाद, यहाँ जगह थोड़ा सा देखिए, और फरुखाबाद वाले भी क्षेत्र में पाया जाता है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, अहिच्छद्र या कांपिल्य, इसकी राजधानी थी पांचाल की। फिर से हम बात करते हैं सूरसेन, सूरसेन से देखिए आपको दिख ही गया होगा मथुरा, आज भी तो मथुरा ही नाम है, तो आज भी उसकी राजधानी क्या है, मथुरा। याद कैसे करेंगे भैया, तो मथुरा में ही क्या था, असुर, सुर मतलब असुर, असुर, सुर मतलब असुर नहीं होता है, उसका अपोजिट होता है फिलहाल, तो सुर में, सुर से आप असुर करिए, असुर कौन था, कंस, कंस कहाँ रहता था, मथुरा में, है ना, तो असुर, असुर मथुरा में रहता था, असुर मथुरा में रहता था, मथुरा में कौन रहता था, कंस, तो वो असुर ही था, याद हो गया। बात करते हैं गांधार, गांधार पहले इसकी हम राजधानी याद कर लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हम बताएंगे। बात करते हैं गांधार, तो गांधार की जो राजधानी हो जाएगी, और गांधार देखिए ना, गांधार से फिर से महाभारत में ही जाना चाहेंगे, गांधार से आप दिमाग में गांधारी याद आ रहा होगा, है ना, गांधारी वही तो थी जो क्या नाम थे, जो अंधे थे, पता नहीं क्या नाम आप बता दीजिएगा, है ना, धृतराष्ट्र या कुछ ऐसे करके आप कमेंट करिएगा। तो यानी कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, बताइए, है ना, आंखें बंद कर रखी थी, और चूंकि वो अंधी नहीं थी, ठीक है, तो गांधारी थी, है ना, तो वो कैसी थी, तो वे बहुत ही सहनशील थी, ठीक है, कैसी थी, बहुत ही सहनशील थी, और सहनशील कि भाई पति उनका अंधा था, तो उन्होंने कहा भाई हम भी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, तो वो कैसी थी, बहुत ही
सहनशील थी और कैसी थी, हम कह सकते हैं दक्ष भी थी, है ना, दक्ष थी, बाकी चीज़ों में समझदार थी, यानी कि, तो ऐसे याद हो जाएगा तक्षशिला, क्या, तक्षशिला। और तक्षशिला से आपको याद होगा, तक्षशिला में क्या है, तक्षशिला में क्या है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, आप कमेंट करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। तो तक्षशिला में कौन सा विश्वविद्यालय है, आप कमेंट करेंगे, उसके बारे में जानकारी भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो गांधारी जो थी कैसी थी, बहुत ही सहनशील थी और दक्ष भी थी, तो दक्ष ऐसे से तक्षशिला, ठीक है। और उन्होंने काली पट्टी बांध के जीवन भर बिताया। हाँ, बात करते हैं वर्तमान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पाया जाता है तक्षशिला, ठीक है। और ये हम बात करें पाकिस्तान के, तो रावलपिंडी जो है, ध्यान से समझिएगा, रावलपिंडी से तकरीबन तकरीबन 18 मील, है ना, 18 मील के दूरी में पश्चिम की दिशा में है, यानी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है, ठीक है, उस वाले क्षेत्र में है। कौन, गांधार, गांधार जो क्षेत्र फैला था वो, और उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। तक्षशिला क्यों, क्योंकि गांधारी बहुत ही दक्ष थी और सहनशील थी, ठीक है, और उन्होंने पूरी जिंदगी आंखें बंद करके बिताया काली पट्टी से बांध कर। बात करते हैं कंबोज, कंबोज भी अफगानिस्तान वाले पार्ट में है, और इसके बारे में भी अभी थोड़ी सी बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कंबोज की राजधानी। तो कंबोज, कंबोज से आपको ऐसा साउंड प्रोड्यूस होगा, कंबोज, है ना, कंबोज, यानी कि भोजन तो कम है और अभी तो पूरा राज बाकी है, क्या, पूरी राज्य बाकी है, पूरा राज पूरा बाकी है, ठीक है, राज पूरा बाकी था, बाकी है, और भोजन क्या है, कम है, यानी कि कंबोज, कम भोज, कम भोज है और पूरा राज बाकी है, राज मतलब राज्य, तो पूरा राज्य बाकी है, ऐसे में काम कहाँ चलेगा भाई, भोजन कम है, तो कम भोज और राज पूरा। आप एक दो बार बोलिए, देखिए क्लियर हो जाएगा, कम भोज और राज पूरा बाकी है, यानी कि पूरा राज या राज पूरा, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा, राज पूरा, कम भोज, कम्बोज, राजपुरा, राजधानी उसकी हो जाएगी, और ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। हिंदू कुश पर्वत की बात करें, हिंदू कुश पर्वत और हिमालय के बीच का जो पार्ट होता है, वहीं पे ये अवस्थित है कम्बोज वाला क्षेत्र, ठीक है। एक टापू है, एक पर्वत का नाम, उसका हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, पठार है कोई, तो उसको हम भूल रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, डिस्टर्बेंस फिर से आ गया है ना, कुत्ता, तो चलिए अभी लास्ट बचा है, तो थोड़ा सा मैनेज करिए, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। बात करते हैं अस्मक, अस्मक, अस्मक से आपको ऐसे साउंड प्रोड्यूस होगा, अस्मक मतलब नमक, अस्मक मतलब नमक, और नमक को मत पोत, है ना, मक मत पोत, ठीक है, तो ऐसे आज हो जाएगा पोतन, पोतना, नमक मत पोत, ठीक है, नमक पोतना, बहुत ज़्यादा साउंड बाहर से आ रहा है ना, कुत्ते परेशान कर रहे हैं, तो बस लास्ट बचा, ध्यान से फिर से एक बार बोल देते हैं, अभी वो उधर गए हैं, तो अस्मक, अस्मक मतलब नमक, नमक पोतना, है ना, नमक पोतने की क्या जरूरत है, छिड़कना आप लगाना कहेंगे, पोतन, है ना, तो पोतना, तो अस्मक पोतन, अस्मक पोतन, नमक पोतना, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में है, गोदावरी वाले क्षेत्र में, ठीक है, गोदावरी घाटी वाले क्षेत्र में यह है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, ये जो बाहरी डिस्टर्बेंस है इसके बारे में कमेंट मत करिएगा, क्योंकि बात तो वही है, और आप बाकी चीज़ों के बारे में कमेंट करेंगे, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।